पैसे दिए? 100 रुपए तोला। 100 रुपए तोला? सही बोला, 100 रुपए तोला। कमाल है, कांदे सोने के भाव बिक रहे। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को 10 रुपए का कांदा मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे उदय भाई, बस इतना ही मिलेगा। उंगलियां घिस ली, अब वही उंगलियां दाल में डुबो कर खा लेना, स्वाद आएगा। ये क्या हो रहा है मेरे को? ये मेरे को चक्कर आ रहा है, चक्कर चक्कर, मुझे चक्कर आ रहा है। इसको क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लड़का हुआ है, मुबारक हो। अरे कोई कांदा सुंगाओ इसको। उदय भाई अपना कांदा सुंगाओ ना। कांदा दूंगा पर 200 रुपए लूंगा। मेरे पास कांदा नहीं है पर ओनियन फ्लेवर का चिप्स है। हाँ ये सुंगा चलेगा। सुंगा सुंगा। प्लेजर प्लेजर। मम्मी चिप्स खा लिया। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, जाओ अभी घर जाओ। मेरा कांदा किधर गया रे? बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी, लेके प्रभु जी का नाम। मो से क्या आता है? मो से क्या आता होगा फ्रेडी? मो से रुको, फॉरेंसिक लैब में कॉल करता हूँ। हाँ। डॉक्टर सालुंखे को मालूम होगा। मैया यशोदा, टिंग 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 टिंग, तेरा कन्हैया, टिंग 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 टिंग, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, संग मुझे लड़ता है, संग मुझे लड़ता है, मैं बचा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया नंबर की जांच करें। मैं बचा राम जी की कृपा से, मैं बचा राम जी की कृपा से। कृपया गाड़ी के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच। अरे सर सर सर, ट्रेन क्या है? वो ट्रेन क्या? हेलो सीआईडी स्पीकिंग। क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अरे जोर से बोलो, क्या बात कर रहे हो, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ हम अभी पहुंचते। क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। सर आप डरते भी हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा, वैसे भी डर के आगे अभिजीत है, फ्रेडी है, दया है, तुम हो, हवा है, पानी है, कांदा है। सर कांदा भी है? नहीं नहीं, एक वही नहीं है। लेकिन सर हुआ क्या है? वही जो नहीं होना चाहिए था। हाँ सर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए था? चोरी। हाँ लेकिन किस बात की चोरी सर? कांदे। हाँ सर ये लो। अरे ये कान की बात नहीं कर रहा हूँ,
कांदे की चोरी हुई है, कांदे की। ओ, नियन की चोरी हुई है। लेकिन सर ये चोरी हुई कहाँ पर है? उदय शेट्टी की दुकान पे। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना सर, मैंने आपकी भी स्क्रिप्ट बैठ की, तो मुझे सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। अरे वाह, वेरी गुड। तो हमारे ऑडियंस को भी बता दो कि चोर कौन है। सॉरी सर। सर मुझे लगता है ये चोरी किसी चोर ने की होगी। यस सर, ही हैज अ पॉइंट। ओ, ये क्या मजाक हो रहा है? मजाक करने बैठे हम? मजाक कर रहे? ऊपर से तू बोल रही है ही हैज अ पॉइंट, एनएनू पिज़्ज़े खाने, बर्गर खाने, ऑफिस नहीं आने, मजाक कर रहे और ऊपर से बोल रहे चोर ने चोरी। मारो मुझे। सर ये अब तक की इस शहर में पांचवी चोरी है और सारी चोरियां इसी इलाके में हुई है। इसका मतलब चोर इस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जानता होगा। सर मुझे लगता है कांदा ही रूट है। हाँ कांदा तो रूट ही है, जमीन के नीचे जो आता है। अरे वैसे नहीं सर, मेरा मतलब है कांदा एक रूट है जो उस चोर तक हमें पहुंचा सकता है। अब ये चोर सारे कांदे अपने पास तो रखता नहीं होगा, वो इस चोरी के कांदे को बाहर जाकर सस्ते दामों में बेचता होगा। ओ, तो अब आई तुम्हारी बात मेरे समझ में। अब एक काम करो, हर एक होटल में जाकर हर एक डिश को छान कर देखो। इडली वड़ा, मेंदू वड़ा, मसाला डोसा, सादा डोसा, पाव भाजी, शेवपुरी, रगड़ा पुरी, दही पुरी, दही वड़ा, तप्पा, तप्पा, पानी बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल। कंट्रोल सर। सर। हाँ फ्रेडी बोलो, तुम्हें भी कुछ बोलना है? मैं गो टू टॉयलेट। इधर देखते हैं भाई साहब, आप वड़ा पाव में कांदा डालते हैं क्या? अरे भाई साहब आप सैंडविच में कांदा डालते हैं क्या? हेलो। हाँ सर, हमें यहाँ पर एक होटल मिला है जिसमें ये लोग पाव भाजी में कांदा भर भर के डाल रहे हैं। अच्छा एक काम करो, उस होटल से तुरंत 5 पाव भाजी मंगाओ। 5 पाव भाजी? एक डॉक्टर सारंगी के पास भेज दो और 4 मेरे पास भेज देना टेस्टिंग के लिए। ओके सर। हेलो, आज घर पे पाव भाजी मंगाई है, वो भी कांदा मार के। हाँ पकड़ लिया कांदा चोर। क्या साहब पागल आदमी को पकड़ते हो? पागल आदमी है ऐसा ही करते रहता है, जाने दो साहब, छोड़ दो, पागल आदमी है साहब, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे उदय भाई, कल ही तो आपके दुकान में चोरी हुई थी ना, और आज माल भर लिया। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, कांदा भी आ जाता है उसमें। मुझे एक कांदा मिलेगा क्या? जरूर, एक क्या दो ले लो, ये लो ये लो। कितना? अरे पैसे का बाद में देख ले, मेरी तरफ से मुफ्त, जाओ। थैंक यू उदय भाई। Thank you.
हेलो हेलो सर, हमें कुछ कांदे के सैंपल्स मिले, तो उसे डॉक्टर सालुंग के पास भेज दे। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना, सारे कांदे ऑफिस में लेकर आओ। क्यों सर? आज के स्क्रिप्ट के हिसाब से हमें पहले से ही पता है कि चोर कौन है। यू आर राइट सर। तो सारे कांदे डॉक्टर साळुंगी के पास भेजने की क्या जरूरत है? सिर्फ उस कांदे को लैब में टेस्टिंग को भेजो जिस पे हमें शक है। ओके सर। ये इसे ना ऐसे मार दे। सर, मर जाएगा ना सर? हाँ, मर तो जाएगा। बांक। टेस्टिंग के कुछ रिपोर्ट्स आए? टेस्टिंग? कौन सी टेस्टिंग? अरे वो कांदे जो हमने तुम्हें टेस्टिंग के लिए भेजे थे। हाँ, वो टेस्टिंग। क्या टेस्ट था सर? मजा आ गया, बहुत टाइम बाद कांदा टेस्ट किया। और रिपोर्ट्स? रिपोर्ट्स का क्या हुआ? अच्छा, रिपोर्ट्स एसीपी दोनों कांदे के डीएनए मैच कर रहे हैं। ओनियन के भी डीएनए होते हैं? हाँ, डीएनए तो सबके ही होते हैं। लेकिन मैंने तो कभी सुने नहीं। डीएनए सुनाई नहीं देते हैं, वो दिखाई देते हैं। ये देखो एसीपी, ये उस होटल का कांदा है, और ये उदय शेट्टी का। क्या इसका मतलब कुछ समझे? उदय शेट्टी अपना ही कांदा चोरी करके उसको होटल में सस्ते दामों में बेचता था। लेकिन वो अपना ही कांदा क्यों चोरी कर रहा था सर? इसका जवाब उदय शेट्टी ही देगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, यूट्यूब पे बच्चा मत बोलना चैनल है, 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, अच्छे व्यूज है, अच्छे कमेंट्स है, अच्छे लाइक्स भी है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। हमारे अब्बा थे, वालिद हमारे। क्या हारमोनियम बजाते थे? कांदा बजाते थे, मतलब बेचते थे। अच्छा, हमारे वालिद तो प्लंबर थे। तब से चला आ रहा है धंधा, अब हो गया है मंदा, बताओ क्या करेगा ये बंदा। कपड़ा हो गया है गंदा, कोई तो दे दो चंदा। वाह वाह वाह। ए भिंडी, कांदे का भाव इतना बढ़ गया है कि धंधा करेंगे कैसे? भिंडी? भिंडी का भाव तो कम है, सिर्फ कांदे का भाव ही ज्यादा है। भिंडी इज फिलिंग एंड कांदा इज किलिंग। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अब बताता है कि बताता हूँ, महंगाई, इन्फ्लेशन, यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट इन डोंबिवली? यू डोंट बिलीव इट। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर हम धंधा करें तो कैसे करें? इसलिए मैंने इंश्योरेंस का सहारा लिया। इंश्योरेंस? अच्छा, इसका मतलब चोर की पांचों उंगलियां मैगी में। अच्छा, तो तुम अपना ही कांदा चोरी करके उसका इंश्योरेंस क्लेम करवाते थे। अच्छा प्लान था, चीते के बाल और चील की चाल। कुछ गलत तो नहीं बोला ना मैंने? और सीआईडी के, इससे तुम बच नहीं सकते। ये
लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम चाहे तो तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। अच्छा वो कैसे? हमने बहुत दिन से कांदा भजी नहीं खाई, हमें बस एक एक प्लेट कांदा भजी खिलवा दो। दिला दी। पर मेरा एक काम करना होगा, मेरे पीछे आओ, पीछे आओ। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को और कमेंट करो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी गई है, जरूर फॉलो करो, बहुत मजे करेंगे। सर वो बेल आइकन? हाँ बेल आइकन दबाओ, भगवान का दिया वो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है।